ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सर ये चैप्टर 8 है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जी सॉरी सर वो कह रहे कि चैप्टर 8 है या 7 है। चैप्टर 8-7 खत्म हो गया है। सर आपने तो 7.5 और 7.6 नहीं पढ़ा है सर। यार जो आपका कोर्स है वो एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। मैंने कोर्स आउटलाइन आपको दी थी। कोर्स आउटलाइन में पहली चीज जो थी वो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन थी। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ये टॉपिक्स थे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब वो आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह के कोर्स में जो है वो आएगा। तो हमने ये जो हमारा सिलेबस था हमें तो वो पढ़ना है, ठीक है। वो सिलेबस हमने का जो उस चैप्टर 7 से जो सिलेबस का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद चैप्टर 8 से जो सिलेबस का पार्ट होगा वो हम कंप्लीट करेंगे और उसमें जो चीज़ें हैं मैं लिखवा देता हूँ, बल्कि आपको अगर कन्फ्यूजन हो, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। ये जो चैप्टर 8 में, लेकिन वो हमारे फिर कोर्स में नहीं होंगी, ठीक है। कोर्स में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती। जो इसको मैं लिखवा रहा हूँ आपको, 1 मिनट। इसमें हमारे पास जो है ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जो पहली चीज है वो है एरिया बिटवीन कर्व्स। ये हमारे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर में जो है वो पढ़ने होंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एरिया बिटवीन दी कर्व्स। जो आपने रेगुलरली पढ़ा होगा, जो इससे पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें आपने एरिया जो पढ़ा होगा, एरिया अंडर द कर्व, यानी इंटीग्रेशन की जो एप्लीकेशन है, ये इंटीग्रेशन से जो आप कंप्यूट करते हैं पहली चीज वो एरिया अंडर दी कर्व कंप्यूट करते हैं। यानी कि अगर आपके एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। प्लीज आप लोग जो बैठे हुए हैं ये अपने मास्क लगा लीजिए, और अगर मास्क नहीं पहनना सबसे आखिरी वाले पे चले जाइए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाई इक्वल्स फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये जो एरिया है, ये एरिया लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह से हम एरिया कंप्यूट करते हैं, एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। और इसके लिए जो है वो आपने, जो आपको याद होगा कि अगर इसमें डिफरेंट इंटरवल्स हो, ये ए जो है ये एक्स नल हो जाए, ये एक्स वन हो और ये हमारे पास एक्स एन हो जाए, और बीच में हमारे पास पॉइंट कहीं एक्स आई हो, बीच में कहीं भी इस तरह से आईएथ पोजीशन पे एक्स आई पॉइंट हो, ये आप समझ लीजिए। तो इस तरह से हम एरिया इसका निकालते थे, रेमन सम, जो आपने कैलकुलस 1 में पढ़ा होगा। इसमें हम लिखते हैं लिमिट मैक्स डेल्टा, मैक्स डेल्टा एक्स के अप्रोचेस टू जीरो और
n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दोनों लिमिट्स यूज कर सकते हैं. सम k इक्वल्स 1 टू n, अगर इसको i के बजाय kth पोजीशन कहते हैं क्योंकि यहाँ k लिखा हुआ है. f x k स्टार डेल्टा x k, ये हमने पढ़ा था. और फिर यही चीज है, ये इसके इक्वल होती है, यानी कि दोनों जो है वो इक्वल होते हैं, यानी ये इंटीग्रल बन जाता है लिमिट के साथ, और ये एफ एक्स के स्टार जो है एफ ऑफ एक्स बन जाता है, और डेल्टा एक्स के जो है वो डी एक्स बन जाता है. ये हमने कैल वन में आपने जो है वो पढ़ा होगा. ठीक है, अब इसके बाद अब हम यहाँ जो है वो कैल टू में आते हैं, और हम अब निकालना है एरिया बिटवीन टू कर्व्स. एक हमारे पास कर्व है वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, एंड दूसरा है y equals g of x. ये हमारे पास जो है वो दूसरा जो है वो कर्व है. अब इसके बाद जो है देखिए x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, और फॉर एग्जांपल ये इस तरह से ये कर्व है y इक्वल्स f ऑफ x, और हमारे पास दूसरा कर्व है y equals g of x. ये हमारे पास सेकेंड कर्व है. हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट a है और दूसरा पॉइंट b है. हमें इन दोनों के दरमियान एरिया कंप्यूट करना है. जरूरी नहीं है कि ये कर्व जो है वो नीचे ही हो, ये थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, दोनों x एक्सिस से ऊपर भी हो सकते हैं, दोनों जो है वो x एक्सिस के नीचे भी हो सकते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता. तो अगर आपको एरिया बिटवीन टू कर्व्स चाहिए, तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स ये वाला एरिया होगा. ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये पूरा एरिया ये आप कंप्यूट करेंगे. अब इसके बाद ये किस तरीके से जो है ये एरिया हमारे पास जो है वो आएगा, इस एरिया को हम किस तरीके से जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं, तो वही रेमन सम जो है इसमें भी यहाँ पर जो है वो यूज होता है कि हमारे पास ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये पॉइंट एक्स नल है, इसी तरह से ये एक्स वन आ जाएगा पॉइंट, एक्स टू आ जाएगा, और जो ये एक्स n माइनस वन आ जाएगा, और b जो है ये एक्स एन हो जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट आ गया. बीच में हमारे पास कोई kth वैल्यू होगी, यानी kth इंटरवल होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास kth इंटरवल है. ठीक है, इस kth इंटरवल में हम कोई भी जो है वो एक x की वैल्यू लेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये x की वैल्यू ले रहे हैं हम, इस x की वैल्यू को x k स्टार हम कहेंगे, और इस वैल्यू पे हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे. तो जब ये x वैल्यू ली जाएगी, तो इस x वैल्यू पे ये हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा.
यहां पे क्या होगा, यहां पे ये क्योंकि x के स्टार ये x वैल्यू है, इस पे जो y वैल्यू होगी वो इस फंक्शन में डालने से निकलेगी, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ये जो वैल्यू होगी ये आपके पास आएगी जी एक्स के स्टार, ये वैल्यू आपके पास आएगी। इसी तरीके से ये जो आपके पास वैल्यू आएगी वाई वैल्यू, जब एक्स के रखेंगे तो ये ऊपर वाले फंक्शन में रखेंगे, ऊपर वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी एफ एक्स के स्टार, ये हॉरिजॉन्टल जो है। अब ये हमारे पास जो ये होगा इसे हम ये कह देंगे विड्थ इसकी, क्योंकि ये kth इंटरवल है तो इसे हम कह देंगे डेल्टा एक्स की, तो ये हमारे पास डेल्टा एक्स के इसकी विड्थ आ गई। अब इसके बाद इसकी हाइट देखें, तो हाइट होगी ये, ये हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है, जो कि होगी एफ एक्स के स्टार, और देखिए ये जो जी एक्स के होगा इसमें प्लस करना पड़ेगा ना, ये वाली वैल्यू में, क्योंकि आपको ये पूरी हाइट चाहिए, तो इसमें यहां से ये जो एफ एक्स के स्टार है वो यहां से यहां तक है, और जी एक्स के जो है वो यहां से यहां तक है, तो ये जो जी एक्स के यहां से यहां तक निकलेगा ये पॉजिटिव निकलेगा नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, लेकिन आपको तो ये टोटल चाहिए तो आपको तो ऐड करना है, तो वो जो नेगेटिव वैल्यू को आज का मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस जी एक्स के स्टार, तो नेगेटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। अब ये हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होगा, ऊपर होता तो भी हम सब्ट्रैक्ट लिखते, वो पॉजिटिव वैल्यू रहती तो उसमें माइनस ही करना पड़ता है, तो ये हमारे पास विड्थ विड्थ डेल्टा एक्स की आ गई, हाइट हमारे पास जो है वो आ गई एफ एक्स के स्टार माइनस जी एक्स के स्टार, तो इस तरह से ये आ गई। अब हमारे हमें जो है इस पोर्शन का अगर एरिया निकालना हो येलो कलर में जो हमारे पास है, इस पोर्शन का अगर हमें एरिया निकालना है, तो अगर हम इसे कह रहे हैं कि ये ए के है, तो ये एरिया सिर्फ इसका ये होगा एफ एक्स के स्टार माइनस जी एक्स के स्टार टाइम्स, किससे मल्टीप्लाई करें इसे, डेल्टा एक्स के से, तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो इसी तरह से जो इसका जो पार्टीशन हमने किया था ए से बी जो इंटरवल है, हमारे पास इंटरवल है ए टू बी, मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूं, इंटरवल ए टू बी ये क्लोज्ड इंटरवल है, हमने क्या किया हमने इसमें इसको जो है पार्टीशन कर दिया, किस तरीके से ए टू, जो कि ए जो है वो आपके पास क्या एक्स नल है, तो ए लिखें या एक्स नल लिखें, तो ए के इक्वल में एक्स नल लिख देता हूँ, तो एक्स वन, ठीक है, फिर दूसरा जो है एक्स वन से एक्स टू, तीसरा पार्टीशन इसी तरह से एक्स थ्री से एक्स फोर होगा, बीच में आपके पास जो है वो कौन सा आएगा एक्स के माइनस वन से एक्स के, मतलब कहीं भी केथ पोजीशन पे आएगा, और फिर लास्ट पोजीशन पे आएगा एक्स एन माइनस वन से एक्स एन, तो एक्स एन जो है वो असल में बी के इक्वल है, तो ये पार्टीशन होंगे, और जाहिर है कि इन पार्टीशन को मिलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा, तो इनके बीच में यूनियन होगा, ठीक है, ये आप लोग पहले ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो
अब यूनियन करना तो एक पार्टीशन का, यानी कि इस पार्टीशन का हमारे पास एरिया जो आया है ए के, वो इस पार्टीशन का एरिया केथ पार्टीशन, हमें टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया अगर इसका ए है तो ए क्या होगा, ए होगा सारे पार्टीशन का एरिया, यानी कि इस पार्टीशन का, इसी तरह से इस पार्टीशन का, इस पार्टीशन का, तो सारे पार्टीशन का एरिया होगा। तो इसका मतलब ये कि के की वैल्यू जो होगी, ये हम ये कह सकते हैं कि सारे जो ए के होंगे और के की वैल्यू वन से लेके, हम ये पहला पार्टीशन, ये दूसरा, और इसी तरह से ये nth पार्टीशन, ये kth पार्टीशन है, जो बाद वाली वैल्यू है वो पार्टीशन का नंबर है, समझ लें जो सेकंड। तो ए के सम के इज इक्वल टू 1 to n। अब ये देखिए कि ये जो आपके पास एरिया है, ये एक्चुअल इसका एरिया नहीं है, क्योंकि ये इसमें ये वाला पार्टीशन जो है, ये कुछ थोड़ा सा पोर्शन जो है इसमें कर्व से ज्यादा है, कुछ पोर्शन कम है, इसी तरह से इसमें भी पोर्शन कम ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ये अप्रोक्सीमेट एरिया है, तो इसमें हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन का साइन, ठीक है। तो ये जो है इक्वल होगा सम, ए के की वैल्यू यहाँ रख देंगे, के इज इक्वल टू 1 to n ए के, जो कि आपके पास है एफ एक्स के स्टार माइनस जी एक्स के स्टार डेल्टा एक्स के, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट एरिया, अप्रोक्सीमेट एरिया है, ये एक्चुअल एरिया जो है वो नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ये इंटरवल है डेल्टा एक्स के, इसका साइज रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन यानी कि इसको अगर चार के में डिवाइड करेंगे, यानी कि चार इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट यानी कि एक्चुअल एरिया से जरा दूर होगा। ये आपने पढ़ा भी होगा रेमन सम में, इस तरह से करते हैं, इसी तरह से नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ाते जाए, या डेल्टा एक्स के जो है वो छोटा करते जाए दूसरे लफ्जों में, तो ऐसी सूरत में हम जो है वो अच्छी अप्रोक्सीमेशन करेंगे, यानी कि जो है एक्चुअल एरिया के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट एरिया तो फिर भी नहीं निकल सकता, ठीक है। यहां तक के एग्जैक्ट एरिया उस वक्त आएगा कि जब हम नंबर ऑफ इंटरवल्स को इतना बढ़ा दें कि वो इंफिनिटी को अप्रोच करे, या डेल्टा एक्स के इतना छोटा हो जाए कि वो जीरो को अप्रोच करे, यानी जो सबसे बड़ा डेल्टा एक्स है वो भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो एक्चुअल एरिया जो होगा, ये होगा लिमिट मैक्स डेल्टा एक्स के अप्रोचेस टू जीरो, या फिर एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी k equals 1 till n f x k star minus g x k star delta x k, और फिर उसके बाद ये बन जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम a टू b f of x minus g of x dx, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दो कर्व्स के दरमियान अगर आपको इंटीग्रल एरिया माल कंप्यूट करना है, तो सिंपली उन कर्व्स की इक्वेशन का जो डिफरेंस होगा ये करके आप ये इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें जो है वो इसकी जरूरत पड़ती है, जो है जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि दो कर्व्स के दरमियान एरिया निकालें, तो उसमें हमें उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक है और दूसरा जो है वो ये, तो ये दो पॉइंट्स अगर हमें पता होंगे तो हम आसानी से ये निकाल लेंगे इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। तो जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, यानी जहाँ दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कर्व, तो उनके इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के दरमियान एरिया हमें कंप्यूट करना है। तो अब मैं आपको जो है वो क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चन जो है वो कराता हूँ। सर ये डेल्टा एक्स के
ये 10 to 0, इसका थोड़ा समझाइए। इसका मतलब ये है कि ये जो डेल्टा एक्स है ये इतना छोटा है कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि हमारे पास हम जो इंटरवल जो स्ट्रिप ले रहे हैं या रेक्टेंगल ले रहे हैं उस रेक्टेंगल की विड्थ जो है अप्रोक्सीमेटली जीरो को अप्रोच कर रही है, यानी नंबर ऑफ इंटरवल्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, ये मतलब है इसका। और नंबर ऑफ इंटरवल्स जितने बढ़ते जाएंगे उतना जो है वो एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, तो अगर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है, यस सर, क्लियर हो गई ये बात? यस सर, थैंक यू, यू वेलकम। अब इसके बाद देखें कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक कर्व है, आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल्स x स्क्वायर एंड y इक्वल्स x प्लस 6। दूसरे लफ्जों में आपसे कह रहे हैं कि मतलब ये लिख भी देता हूं मैं क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज इनक्लोज्ड बाय, और फिर ये दो कर्व हैं। अब इसके लिए देखिए स्केचिंग आपको जो है वो आनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी कहा था ये पहला कर्व क्या है, पैराबोला वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अब वो इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं, वाई स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर देखें और आप इसको स्केच कर दीजिए। ठीक है, और आपको पता है कि वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर क्या है, एक पैराबोला ओपन अपवर्ड, ठीक है, क्रॉसिंग एक्स एक्सिस, तो ये आप बना दीजिए पैराबोला that opens upward and passing through the origin. So that's the parabola y equals x square. फिर दूसरी है y equals x plus 6. तो ये क्या लाइन है, यानी कि इसका y intercept 6 है और इसका स्लोप 1 है, ठीक है, स्लोप 1 और y intercept 6. तो इस तरह से ये लाइन आ गई, y इंटरसेप्ट यानी कि ये वैल्यू 6 होगी और स्लोप इसका 1 होगा, ये कुछ 1 से कुछ इधर उधर लग रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे बना दूंगा। अब ठीक है, ये 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एरिया कंप्यूट करना है वो ये वाला एरिया कंप्यूट करना है। तो कहां से कहां तक करना है ये अभी आपको नहीं पता, ठीक है, तो ये पॉइंट क्योंकि नहीं मालूम तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है, इधर ये वाला पॉइंट भी नहीं पता, ये थोड़ा सा इधर से आ रहा है लेकिन एक्चुअली ये थोड़ी सी ये पॉइंट भी हमें नहीं पता, तो इसके लिए क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन है y equals x plus 6, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, y की जगह x plus 6 इधर रख देंगे, तो x plus 6 equals x square, this implies x square minus x minus 6 equals 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर हो जाएंगे x plus 2 times x minus 3 equals 0, तो हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू और दूसरी होगी प्लस थ्री, तो डेफिनेटली ये माइनस टू होगा और ये प्लस थ्री होगा, हमें वाई की जरूरत नहीं सिर्फ एक्स वैल्यू चाहिए, आप चाहें तो बहरहाल पॉइंट निकालना, तो ये माइनस टू इसमें रख दें तो फोर हो जाएगा, तो माइनस टू कॉमा फोर, और थ्री यहाँ रख दें तो नाइन हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास थ्री कॉमा नाइन। ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम माइनस टू टू थ्री, और
अब क्या होगा, अब ये होगा कि f of x माइनस जो है g of x होता है। अब इसमें से कौन f of x होगा और कौन g of x होगा ये बात बताएं। तो ये ऊपर वाला कर्व होता है वो f of x होता है और उसमें से नीचे वाला कर्व माइनस कर देता है। ऊपर वाला है लाइन y इज इक्वल टू x प्लस सिक्स, तो x प्लस सिक्स माइनस नीचे वाला कर्व जो कि x स्क्वायर टाइम्स dx, या तो इसे ऐसे इंटीग्रेट कर दें या चाहे तो इसको दो लिमिट कर दें माइनस टू से जीरो फिर जीरो से थ्री, या ठीक है ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो x का हो जाएगा इंटीग्रल x स्क्वायर बाई टू प्लस सिक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री लिमिट फ्रॉम माइनस टू टू थ्री। तो ये एरिया हो जाएगा अपर लिमिट थ्री रखेंगे तो थ्री स्क्वेयर ओवर टू प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस थ्री क्यूब ओवर थ्री, तो अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू प्लस सिक्स मल्टीप्लाई भी माइनस टू माइनस माइनस टू का क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री स्क्वेयर नाइन नाइन बाई टू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेटर्स आपके पास होंगे, किसी के पास कैलकुलेटर है जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं या इधर जो है, तो इसको कैलकुलेट करके मुझे ज़रा बताएं कि इसका क्या रिजल्ट होता है, मैं भी सेल्फ कैलकुलेट करता हूँ। 20.83 फ्रैक्शन में बता दें 125/6 ठीक। तो ये हमने इस तरीके से इसका इंटीग्रल निकाल दिया, ठीक है। तो प्रोसीजर हमारा यही होता है इंटीग्रेशन, यानी कि हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स जो है वो मालूम करते हैं। अच्छा, अब इसमें बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि जो है हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है। अब जैसे कि ये दो कर्व हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय एक्स इक्वल्स वाई स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स एक्स माइनस टू। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे ये बताइए कि ये जो y इक्वल्स x माइनस टू है क्या ये फंक्शन है? फंक्शन तो आपने कैलवन में पढ़ा होगा, क्या ये फंक्शन है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, ठीक है ना, सिंपल बात। x इक्वल्स y स्क्वायर ये एक पैराबोलिक कर्व है ना, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है फंक्शन? ठीक है, फंक्शन ये नहीं है, उसकी रीजन ये है कि, सही कह रहे हैं आप, उसकी रीजन ये है कि इसमें एक एक्स वैल्यू पे दो वाई वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएंगी, यानी कि यूनिक इमेज इसमें नहीं होगी। और जब इसको कर्व आप देखेंगे तो आपको ऊपर और नीचे दोनों इसकी जो है तरीके से मिलेगा। तो एक्स इक्वल्स वाई स्क्वायर जो होता है उसका स्केच आप लोगों को पता है, उसको मैं यहाँ पे स्केच कर देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जैसे अगर एक्स इक्वल्स वाई स्क्वायर होता है तो ये ओरिजिन से क्रॉस होता है और टुवर्ड्स राइट ओपन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कर्व है x इक्वल्स y स्क्वायर या y इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ऊपर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x होगा, नीचे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x होगा,
ठीक है, दोनों पोर्शन इसमें होंगे। अब इसके बाद दूसरा है, कोई स्टूडेंट ने कुछ पूछा है मेरे ख्याल से, चैट यहाँ पे क्यों नहीं सामने आ रहा। ये आ गया, अच्छा आई एम गेटिंग 37/6 इन प्रीवियस क्वेश्चन, एनीवन गेटिंग सेम। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है वो यही है, 125/6 करेक्ट आंसर था उसका। अब इसका दूसरा कर्व है, या दूसरे जो है वो आपके से वाई, दूसरा फंक्शन है वाई इक्वल्स एक्स माइनस टू, तो ग्रेडियंट इसका माइनस टू है, तो इसका मतलब है कि इस तरह से कहीं होगा, और वाई इंटरसेप्ट माइनस वाई इंटरसेप्ट माइनस टू है, ग्रेडियंट जो है प्लस वन है, ग्रेडियंट प्लस वन है, वाई इंटरसेप्ट जो है वो माइनस टू है, तो माइनस टू यहाँ कहीं होगा, और ग्रेडियंट वन है, तो ये इस तरह से ये पॉइंट जो है ये माइनस टू हो जाएगा। अब आपको ये एरिया कंप्यूट करना है, ठीक है। अब ये जो हमें एरिया कंप्यूट करना है, इसके हम दो पार्ट्स कर सकते हैं, ये एक पार्ट में हो नहीं सकता, या तो फिर हम ये करें कि चीजों को बिल्कुल रिवर्स कर दें। दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो देखिए मेथड वन, मेथड वन में हम क्या करेंगे, ये हम ये करेंगे कि एक पोर्शन यहां से कर लेंगे, ठीक है, और एक पोर्शन ये कर लेंगे, यानी कि इस एरिया को कह देंगे ये ए वन है, ये एरिया जो है ए टू है, तो दोनों का सम निकाल लेंगे दोनों एरियाज को। अब हमें क्या चाहिए होगा, ये वाला पॉइंट चाहिए होगा एक, और हमें चाहिए होगा एक ये वाला पॉइंट, इसके लिए ठीक है। तो ये पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वाई की वैल्यू एक्स माइनस टू है, ये आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है, या एक्स की वैल्यू आप वहाँ आप रखें, तो आपके पास ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर इक्वल्स, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की जरूरत नहीं है, ये बात है। तो पहले तो हम ये करते हैं कि एक्स इक्वल्स वाई की जगह एक्स माइनस टू रख दिया, इसका स्क्वेयर हो गया, देन एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना, ये जो वाई वैल्यू एक्स माइनस टू ये पहली वाली में रख दी हमने, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, कौन से तरीके, नहीं नहीं कर सकते उस तरीके, जैसे चाहे कर ले, मैंने कहा डायरेक्ट एक्स आ जाएगा पहले, उससे पहले वाई आता फिर एक्स निकालना पड़ता, क्योंकि हमें एक्स ही तो चाहिए, दो पार्ट्स इस वजह से बनाए कि अपर कर्व और लोअर कर्व जो है वो चेंज हो रहा है, यहां तक जो है वो अपर कर्व ये वाला है और लोअर कर्व ये वाला है, लेकिन इसके बाद अपर कर्व ये वाला है और लोअर कर्व ये वाला है, भाई जो ऊपर होता है वो अपर कर्व कहलाएगा, जो नीचे है वो लोअर कर्व कहलाएगा, और ये बगैर स्केचिंग के आपको नहीं पता चल सकता, आपको आपने जो कैल वन में स्केचिंग पढ़ी थी, नहीं हाँ एफ ऑफ एक्स को ऊपर लेते हैं और जी ऑफ एक्स को नीचे लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर कौन सा कर्व है नीचे कौन सा कर्व है। तो क्योंकि अब आप ये देखें थ्रू आउट एरिया, ये पूरे एरिया को देखें, तो इस पूरे एरिया में अपर कर्व ये वाला नजर आ रहा है, लेकिन लोअर कर्व में यहां से यहां तक ये वाला है, और फिर यहां से लेके यहां तक ये एक्स वैल्यू हुई ना, एक एक्स वैल्यू जीरो है और एक एक्स वैल्यू ये है, इन दोनों में अपर में तो ये देखें एक ही कर्व है, लेकिन लोअर में अगर यहाँ जीरो से इस पॉइंट तक देखें तो यहां तक जो है वो एक ये नीचे दूसरा कर्व है, और इसके बाद जो है फिर यहां से लेके यहां तक जो है वो दूसरा कर्व है, ठीक। तो इस तरह से जो है वो आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड, इस वजह से डिवाइड किया, ठीक है, पिछले वाले में ऐसा नहीं था, जो पूरा इंटरवल हमारा था
उसमें ऊपर भी एक ही कर्व था, नीचे भी एक ही कर्व था, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी जब आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, एक फैक्टर इसका हो जाएगा x माइनस वन और दूसरा इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस फोर। ठीक है ना, माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव होता है, माइनस माइनस प्लस वन मल्टीप्लाई फोर फोर हो गया, ये इसके फैक्टर आ गए। तो इस तरह से x की दो वैल्यूज आ गई, एक वन और एक फोर। तो डेफिनेटली ये वैल्यू x की वन होगी और ये वाली वैल्यू x की जो है वो फोर होगी। ठीक है, आप चाहें तो पॉइंट्स भी निकाल लें। अब जाहिर है कि x की वैल्यू वन आप यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे इस वाले में, तो आपके y की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी प्लस वन और एक आएगी माइनस वन। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो वन कॉमा माइनस वन होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा वो वन कॉमा वन होगा। इसी तरह से ये वाला पॉइंट अगर निकालना चाहें तो फोर जब आप एक्स की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमें नीचे की जरूरत नहीं, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, तो जब फोर रखेंगे तो फोर माइनस टू टू हो जाएगा, तो फोर कॉमा टू ये दूसरा पॉइंट आगे। बहरहाल अब ए वन अगर हमें निकालना है पहला एरिया, या टोटल ही लिख देते हैं, एक साथ ही लिख देते हैं, तो ये अब आप देखिए कि ये वाले कर्व की इक्वेशन चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, कलर दूसरा यूज करता हूँ ताकि ये अलग से आपको नजर आए, ये वाला। ठीक है, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन क्या होगी सिर्फ इस पोर्शन की, यानी ऊपर की तरफ? तो क्योंकि इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स x इक्वल्स y स्क्वायर, तो क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन है तो इस वजह से इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। यानी कि अगर आप y की वैल्यू यहां से निकालें तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, लेकिन क्योंकि ये ऊपर का पोर्शन है इस वजह से प्लस रूट x आएगी। इसी तरह से जो नीचे की वैल्यू है ये वाली, तो ये क्या आएगी y इक्वल्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो लिमिट जीरो से x वैल्यू कितनी है वन, तो लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन, अपर फंक्शन आपके पास है y इक्वल्स रूट एक्स, तो रूट एक्स लिख दिया, माइनस लोअर फंक्शन नीचे आपके पास है माइनस रूट एक्स, तो आपने माइनस रूट एक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है dx लिख दिया, तो ये आपके पास ये वाला पोर्शन आ गया, ये दोनों के एरियाज आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपके पास क्या होगा, सॉरी ये लिमिट्स कैसे निकाले, फिर रिपीट कर देगा लिमिट ये वाली जीरो से वन, ये तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये आपके पास x वैल्यू कितनी है, x वैल्यू वन है ना, ये तो लिमिट फ्रॉम जीरो से वन हो गई, और फिर ऊपर अपर कर्व यानी कि ऊपर वाले की इक्वेशन है y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x यहाँ लिख दिया। फिर नीचे वाले की इक्वेशन है y इक्वल्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, तो आपने माइनस माइनस g ऑफ x लिखते हैं, तो g ऑफ x है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये आपने लिख दिया। ठीक, तो इस तरह से ये आ जाएगा। इसके बाद क्लियर हो गई ये चीज जी, yes, जो आपने पैराबोला, वो पैराबोला से कंसर्न है इसलिए हम अभी सिर्फ उसकी चीजें देख रहे हैं। जी जी, पैराबोला मतलब कोई भी कर्व हो सकता है, जरूरी नहीं कि पैराबोला हो, ये आपने सारे कर्व तो आपको बनाना आते हैं। ठीक है, ये प्लीज जो है वो माइक सब लोग म्यूट करें, थैंक यू। फिर उसके बाद ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रल, अब लिमिट यहां से शुरू होगी, ये पॉइंट वन था, वन से फोर तक होगी, लिमिट फ्रॉम वन टू फोर, और फिर उसके बाद वन से फोर, सॉरी वन टू फोर। अब अपर कर्व आपके पास ये वाला कर्व है और इसकी इक्वेशन वही y इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x है, लेकिन नीचे आपके पास लाइन है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स x माइनस टू, तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x
माइनस एक्स माइनस टू डी एक्स। तो ये आपका, अब इसके बाद ये हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन रूट एक्स, तो ये टू रूट एक्स, तो टू एक्स टू दी पावर वन अपॉन टू लिख देता हूँ मैं डी एक्स। फिर प्लस इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम वन टू फोर, और ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर वन अपॉन टू माइनस एक्स प्लस टू डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब इसके अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जाएगा टू एक्स टू दी पावर वन बाई टू प्लस वन, तो थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू लिमिट फ्रॉम जीरो टू वन प्लस एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाई थ्री बाई टू माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस टू एक्स लिमिट फ्रॉम वन टू फोर। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फोर बाई थ्री, अपर लिमिट वन होगी, लोअर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, तो वन की पावर थ्री बाई टू, तो ये आपके पास वन आ जाएगा, प्लस यहाँ पे टू बाई थ्री, अपर लिमिट फोर लिख रहे हैं, तो फोर टू द पावर थ्री बाई टू माइनस वन अपॉन टू फोर टू द पावर टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाई फोर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपके पास वन है, तो टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई वन वन, तो प्लस माइनस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बी वन, और फिर उसके बाद प्लस टू मल्टीप्लाई बी वन। अब ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, तब यहाँ पे आपके पास आ गया फोर बाई थ्री प्लस फोर टू द पावर टू बाई थ्री, तो ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर रूट टू था, टू टू द पावर थ्री एट हो गया, एट मल्टीप्लाई टू सिक्सटीन, सिक्सटीन बाई थ्री माइनस और एट हो गया प्लस एट, फिर उसके बाद माइनस टू बाई थ्री माइनस वन अपॉन टू प्लस टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कंप्यूट कर लेंगे कितना आ रहा है बता दें मुझे, नाइन बाई टू, नाइन बाई टू लिख देते, तो एरिया नाइन बाई टू आ रहा है, ठीक है, कंफर्म है नाइन बाई टू आ रहा है ये एरिया? यस सर। ठीक, अब इसके बाद इसको दूसरे मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से किस तरीके से होगा ये, दूसरे मेथड से ये इस तरह से होगा कि दूसरे मेथड से बल्कि पहले मेथड के मुकाबले में ज्यादा आसान है। देखिए मैं मेथड टू करा रहा हूं, मेथड टू जी इन टर्म्स ऑफ आई, यस ठीक है, वी हैव टू एक्सप्रेस बोथ इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ आई एंड वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन दैट केस। तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगेन हमने क्या किया कि इस तरह से कर्व स्केच कर दिया, ये है लाइन y इक्वल्स x माइनस टू, और ये जो कर्व है x इक्वल्स y स्क्वायर, ये लाइन y इक्वल्स x माइनस टू, या फिर आप इसे लिख सकते हैं x इक्वल्स y प्लस टू, एक ही बात है। ये अब आपको एरिया निकालना है, ठीक है,
तो समझ लीजिए कि आपने ये जो पूरा चीज ओरिएंटेशन है इसको आपने रोटेट कर दिया, यानी जो काम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे वो काम अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। अब जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमारे पास जो अब अपर और लेफ्ट के अपर और लोअर कर्व के बजाय राइट कर्व और लेफ्ट कर्व होगा, यानी कि जो फंक्शन जो अपर कर्व का था वो अब राइट वाला कर्व काम करेगा और जो लोअर कर्व का काम था वो लेफ्ट वाला फंक्शन काम करेगा। ठीक है, तो अब देखें विद रिस्पेक्ट टू वाई इसके लिए लेकिन लिमिट होनी चाहिए वाई की। तो अब यहाँ वाई की लिमिट ये तो हमने निकाली ली थी, ये माइनस वन है और यहाँ पे y वैल्यू जो है फोर थी, x वैल्यू अच्छा टू थी, एक मिनट ऊपर लिखा होगा, हाँ टू थी, सही है सही। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो टू है। तो लिमिट फ्रॉम माइनस वन से टू, यानी कि अब एरिया जो है ये हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम माइनस वन से वन टू। अपर कर्व तो अपर कर्व है एक्स इक्वल्स सॉरी ये है एक्स इक्वल्स वाई प्लस टू, ये हो जाएगा वाई प्लस टू। तो अपर कर्व की जगह राइट कर्व ले लिया माइनस लोअर कर्व, अब लोअर कर्व की जगह लेफ्ट वाला लेंगे तो लेफ्ट वाला एक्स इक्वल्स वाई स्क्वायर, यानी एक्स की इक्वेशन निकालनी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर देन डी वाई इक्वल्स, अब ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर बाई टू प्लस टू वाई माइनस वाई क्यूब बाई थ्री लिमिट फ्रॉम माइनस वन टू टू। ठीक, तो ये हो जाएगा टू स्क्वेयर ओवर टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाई टू माइनस टू क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज माइनस वन स्क्वेयर बाई टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन माइनस माइनस वन क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, अब बताइए वही नाइन बाई टू आ रहा है, नाइन बाई टू आ रहा है, तो इसका मतलब है देखिए, लेकिन ये एक स्टेप में हो गया, एक दो स्टेप, यानी कैलकुलेशन का तो एक ही स्टेप है समझ लें, उसे हमने कई स्टेप्स किए थे और प्रोसीजर भी बहुत लंबा था, तो उसकी वजह क्या थी वहां पे देर लगी और यहाँ पे जल्दी, उसकी वजह ये थी कि राइट पे एक ही कर्व है पूरे थ्रू आउट लिमिट और लेफ्ट पे भी एक ही कर्व है थ्रू आउट लिमिट, लेकिन जब हम इससे ऊपर वाले को देखते हैं तो अब इसमें अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो हम अपर और लोअर देखेंगे, तो इस पूरी लिमिट में जीरो से फोर में अपर कर्व तो एक है लेकिन लोअर साइड पे दो कर्व हैं, एक पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन ये है, इस वजह से हमें दो में डिवाइड करना पड़ा और हमें ज्यादा वर्किंग करनी पड़ी। लेकिन जो इससे पिछला वाला हमने किया था, उस पिछले वाले में अगर आप देखें तो थ्रू आउट लिमिट एक्स एक्सिस पे अपर कर्व एक ही है और लोअर कर्व एक ही है, तो ये फिर आसानी से हो गया। लेकिन अगर इसको हम क्या करते, इसको हम उस तरीके से करते y वाले के, तो जब y वाले तरीके से करते तो लिमिट जो है वो इस तरह से आ जाती, यहां पे देखें ये आपके पास जो है नाइन होता और ये आपके पास जो है जीरो होता। ठीक है, तो हम जीरो से नाइन तक जाते हैं वाई की वैल्यू, तो इसमें हमें दो पार्ट्स करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे राइट पे क्या होता, राइट पे देखें ये जो है वो जीरो से नाइन पे तो एक कर्व है लेकिन इसके लेफ्ट पे दो कर्व हैं, देखिए राइट पे तो ये पूरे पे एक कर्व आ रहा है, ये पूरे पे एक कर्व है जीरो से नाइन पे, लेकिन लेफ्ट पे जब देखेंगे जीरो से नाइन पे तो जीरो से सिक्स, बल्कि ये यहां तक ये जीरो से फोर, ये फोर है पॉइंट, तो जीरो से फोर ये वाला कर्व है लेफ्ट पे,
ठीक है, और फिर 4 से 9 ये वाला कर्व है लेफ्ट, तो इस वजह से ये मेथड 2 से करते हैं इस क्वेश्चन को तो ये लंबा हो जाता है, मेथड 1 से छोटा है, तो ये डिपेंड करता है, कुछ क्वेश्चन जो है वो किसी मेथड से छोटे हो जाते हैं, वो ये आपको देखना होता है कि स्मार्ट वे ये है कि आप ये देखें कि आप लेफ्ट राइट देख रहे हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों पे सिंगल कर्व होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसी तरीके से अपर कर्व और जो है लोअर कर्व दोनों में सिंगल कर्व होगा तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो अपर लेफ्ट राइट देखें या अपर लोअर देखें हर सूरत में डिवाइड करना पड़ता है, तो फिर आप किसी भी तरीके से सॉल्व, ठीक है, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने पढ़ाया है ये चैप्टर 8 है इसमें, और जो हॉवर्ड एंटन की बुक है 10th एडिशन इसमें चैप्टर 6 है, और एक्सरसाइज जो है ये क्या कहते हैं उसे 6.1 होगी, और उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी एक्सरसाइज है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो है वो बुक जो है वो हॉवर्ड एंटन की है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी बुक हो आप जो है वो इसको जो कर सकते हैं, थोड़े से आपको स्केचिंग का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब तक स्केच आपके सामने नहीं होगा आप उसे आसानी से सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको 2 से ज़्यादा भी कर्व दिए हुए होते हैं, यानी कि रीजन ऐसा होता है कि जो इनक्लोज होता है 2 से ज़्यादा कर्व्स में, लेकिन प्रोसीजर इसका जो है वो वही है जो और दूसरे उसका जो प्रोसीजर होता है, यानी कि 2 इस कर्व को स्केच करने, ये मैं जैसे कि आपको एक बताता हूँ, एक ऐसा जिसमें आपको एक्चुअली वो जो दिया होता है 3 का, तो सिंपली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो इक्वेशंस होती हैं वर्टिकल लाइंस की, तो वो आपकी आसानी के लिए भी हो जाता है। जैसे ये है y equals x square and y equals x and y equals 3x, ठीक, ये आपके पास है, ये y एक्सिस है, हम पहले स्केच कर रहे हैं, एक पैराबोला जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स x स्क्वायर, फिर उसके बाद दूसरा पैराबोला है, सॉरी एक लाइन है y इक्वल्स x, फिर तीसरी लाइन है y इक्वल्स 3x, तो बल्कि ऐसा कर दो ये जो है वो इसके बजाय इसको आसान कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, 3x के बजाय इसका कोएफिशिएंट कर देते हैं 1/2, ठीक,
तो ये हमारे पास लाइन है y इक्वल्स x और ये है y इक्वल्स 1/2x। अब इनके दरमियान एरिया निकालना है, इन तीनों के दरमियान, इन तीनों के दरमियान एरिया कौन सा होगा, ये एरिया होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए आपको कौन कौन से पॉइंट चाहिए, एक ये पॉइंट चाहिए, एक ये पॉइंट चाहिए, और ये तीनों ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो ये तो आपको ओरिजिन का पॉइंट पता, तो ये दोनों चाहिए। तो ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, ये इस लाइन और पैराबोला को सॉल्व करने से होगा। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, ये भी लाइन और ये वाले पैराबोला को सॉल्व करने से। तो पहले सॉल्व कर दें इन दोनों को, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक जीरो और एक वन, ठीक है। तो ये वाला तो आपके पास पॉइंट वन आ गया और ये पॉइंट जीरो आ गया। अब इसके बाद देखें कि अब इन दोनों को सॉल्व करें, तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x इक्वल्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x इक्वल्स जीरो। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक जीरो और एक 1/2, तो ये वैल्यू 1/2 है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको लेफ्ट टू राइट करें या राइट या अपर टू लोअर कर्व करें, यानी विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वली वर्किंग करनी पड़ेगी। तो हम इसमें दो हिस्सों में हमने इसे डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट है, तो इस पार्ट में क्या होगा, अपर कर्व ये वाली लाइन होगी और लोअर कर्व ये वाली लाइन होगी, यानी दोनों लाइंस होंगी। तो एरिया हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2, अपर लाइन कौन सी, y इक्वल्स x, तो ये x हो गया, माइनस लोअर लाइन कौन सी है, ये y इक्वल्स 1/2x, तो ये जाएगा 1/2x, फिर उसके बाद dx, फिर प्लस इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 1/2 to 1, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जब ये वाला पोर्शन होगा तो अपर क्या है आपके पास x, माइनस लोअर क्या है y इक्वल्स, ये वाला कर्व आ गया y इक्वल्स x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा dx। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/2x, तो 1/2x होगा, 1/2x का इंटीग्रल होगा x स्क्वायर 2, पहले से 2, तो x स्क्वायर 4 लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2, प्लस यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर 2 माइनस x क्यूब 3 लिमिट फ्रॉम 1/2 to 1। अब बताएं क्या होगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये 1/2 रखेंगे, तो 1/2 इसके तो 1/16 यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आप अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/8 आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 1/2 का क्यूब 1/8, 8 × 3 = 24, तो 1/24। अब इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, कितने 7/48, ठीक है। तो अब ये किसी भी मेथड से हम करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने एरिया बिटवीन टू कर्व्स पढ़ा है, अब इसके बाद जो है वो वॉल्यूम्स है के इंटीग्रेशन से, यानी सिंगल इंटीग्रेशन से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो किस तरीके से हम कंप्यूट करते हैं।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.